बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़िशान अली। आई एम वर्किंग एज अ लैब टेक्नीशियन एट अकबर बेगम वेलफेयर हॉस्पिटल पसरूर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच ब्लड टेस्ट और विच रूटीन इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन एनुअली। यूजुअली इन पाकिस्तान आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेयर प्रॉपरली, सो दैट आई हैव चूजन दिस टॉपिक, स्पेशली दोज फैमिलीज हु हैव already suffer certain disease like heart disease, sugar disease, blood cancer, specific cancer. Those people should done routine investigation and special investigation annually. इन लोगों को आम लोगों से ज़्यादा frequency में अपने blood test करवाने चाहिए ताकि disease की periodic screening और इसकी occurs को stop कर सके। Suppose अगर disease start हो गई है तो इसकी early detection की वजह से इसका treatment करके इसको जल्दी control किया जा सकता है। Today we will talk Talking about routine investigation, in first we talk about age limit, in which age we have done our investigation. So 18 to 39 हमें 5 साल के अंदर एक दफ़ा लाजमी रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और 14 to 50 एज के दौरान 3 साल के अंदर अंदर एक दफ़ा लाजमी अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। 50 या 50 से अबव लोगों के लिए आई विल रिकमेंड फॉर दोज पीपल कि वो एवरी ईयर अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन लाजमी करवाएं। इसके साथ साथ जिनकी फैमिली में कोई सर्टन डिजीज़ है या कोई स्पेसिफिक सर्जिकल मेडिकल इलनेस है तो उनको स्पेसिफिक टेस्ट भी लाजमी करवाने चाहिए। नो आई विल टॉक अबाउट दैट रूटीन इन्वेस्टिगेशन वी शैल डू अकॉर्डिंग टू एज। तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट एंड मेटाबॉलिक प्रोफाइल आता है। CBC हैज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मल्टीपल डिजीज एंड मेटाबॉलिक प्रोफाइल इंक्लूडिंग LFTs, RFTs, हेपेटाइटिस बी एंड सी, जिनमें गुर्दों के टेस्ट, जिगर के टेस्ट और हेपेटाइटिस बी एंड सी आ जाते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल रूटीन टेस्ट में आता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक किया जाता है और मुख्तलिफ वैल्यूज़ को चेक किया जाता है और इसके मुताबिक डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ मेडिसिन एंड अदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज स्ट्रेटजीज के अबाउट डिसीजन मेकिंग होती है। इसके अलावा शुगर का रिकॉर्ड लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, वाइटामिन डी लेवल, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, जिनको एज लिमिट के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। दीज आर ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशन। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। इसके अलावा अगर आपकी एज 50 या 50 से अबव है देन आई विल रिकमेंड स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन, जिसमें स्टूल अकर ब्लड शामिल है। स्टूल अकर ब्लड हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस, इससे बहुत सी पेट की बीमारियों का वक्त से पहले पता चल जाता है और इसका ट्रीटमेंट करके इस डिज़ीज़ को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो थी रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो कि हर इंडिविजुअल को एटलीस्ट एनुअली लाजमी करवानी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ रन कर रही है देन इन एडिशन दीज इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटर। If there is any special disease in your family, then you should get special test as well as routine test. इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई और डिजीज़ है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है लाइक कैंसर है, ब्लड शुगर है, ब्लड का कैंसर है, देन आपको उसके साथ साथ रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ स्पेसिफिक टेस्ट भी लाजमी करवाने चाहिए, जैसा कि फैमिली में चेक करने के लिए थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।